आज होगा चांद मुट्ठी में। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट। भारत कुछ घंटों बाद दुनिया में इतिहास रचने वाला है। भारत का चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब तक दुनिया का कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर नहीं उतरा है। इसरो के वैज्ञानिकों का दावा है कि चाहे कुछ हो जाए, लैंडिंग होकर रहेगी। आइए जानते हैं लैंडिंग से कितना दूर है चंद्रयान 3। भारत अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे बड़ा इतिहास रचने वाला है। इसरो का चंद्रयान 3 चांद पर उतरने का इंतजार कर रहा है। सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक हुआ तो चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर कल शाम यानी 23 अगस्त को 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो के वैज्ञानिकों का दावा है कि चाहे कुछ हो जाए, लैंडिंग होकर रहेगी। यही भरोसा भारत को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला दुनिया का इकलौता देश बना सकता है। इसरो लगातार चंद्रयान की गति और दिशा पर लगातार नजर बनाए हुए है। इसके लिए एक लाइव ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में इस समय कहां है। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान इतिहास रचने के बेहद करीब है। चांद से महज 25 किमी दूर चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय का इंतजार कर रहा है। इसरो को अब 23 अगस्त के शाम 5:45 का इंतजार है। इस समय लैंडिंग वाले चांद के हिस्से में सूर्योदय हो चुका होगा। शाम 5:45 पर लैंडर चांद पर उतरना शुरू करेगा और शाम 6:04 पर उसके चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना है। लैंडिंग में कई चुनौतियां। हालांकि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में कई चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती है लैंडर की रफ्तार को नियंत्रित रखना। पिछली बार अधिक रफ्तार से लैंडर क्रैश कर गया था। दूसरी चुनौती है लैंडर उतरते समय सीधा रहे। तीसरी चुनौती उसे उसी जगह पर उतारना जो इसरो ने चुन रखी है। पिछली बार ऊबड़ खाबड़ से टकराने की वजह से चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था। चौथी चुनौती पूरी कार्रवाई के दौरान उससे संपर्क को बनाए रखना है। कहीं भी संपर्क टूटा तो मिशन फेल हो सकता है, टल सकती है लैंडिंग। इनसे निपटने के लिए भारत ने हर तरह से तैयारी की है। अगर 23 अगस्त 2023 की शाम 5:30 से लेकर 6:30 के बीच चंद्रयान 3 के लैंडर को लैंडिंग के लिए सही जगह नहीं मिली तो लैंडिंग टल सकती है। यह एक तरह का बैकअप प्लान है। 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग से 2 घंटे पहले इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक यह फैसला लेंगे कि लैंडिंग कराई जाए या नहीं। लैंडिंग के समय कितनी होगी स्पीड? विक्रम लैंडर जिस समय चांद की सतह पर उतरेगा उस समय उसकी गति 2 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल गति 0.5 मीटर प्रति सेकंड होगी। विक्रम लैंडर 12 डिग्री झुकाव वाली ढलान पर उतर सकता है। इस गति, दिशा और समतल जमीन खोजने में ये सभी यंत्र विक्रम लैंडर की मदद करेंगे। ये सभी यंत्र लैंडिंग से करीब 500 मीटर पहले एक्टिवेट हो जाएंगे। कर लो चांद मुट्ठी में। जी हाँ, पूरा भारत एक साथ मिलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से यही कह रहा है। 23 अगस्त शाम 6:04 ये वो टाइम तय किया गया है कि जब चांद की सतह पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। जाहिर सी बात है हर किसी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी। लेकिन इस दफा तैयारी इतनी तगड़ी है और इसरो के वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग तो होकर ही रहेगी, और इसके लिए 23 अगस्त की तारीख भी बेहद सोच समझकर चुनी गई है। अब उसकी वजह जान लीजिए। चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपने मिशन का अंजाम देने के लिए सौर्य ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। चांद पर 14 दिन तक दिन और अगले 14 दिन तक रात रहती है। अगर चंद्रयान ऐसे वक्त में चांद पर उतरेगा जब वहां रात हो तो वह काम नहीं कर पाएगा। इसरो सभी चीजों की गणना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि 23 अगस्त से चांद के दक्षिणी ध्रुव सूरज की रोशनी उपलब्ध रहेगी। वहां रात्रि के 14 दिन की अवधि 22 अगस्त को समाप्त हो रही है। 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव पर धूप निकलेगी, जिसकी मदद से चंद्रयान का रोवर चार्ज हो सकेगा और अपने मिशन को अंजाम देगा। ईश्वर से प्रार्थना व दुआ करो जिससे कि भारत का चंद्रयान 3 आज बिना किसी समस्या के चांद की सतह पर लैंड करे।
आज के लिए वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अंत में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।